Hey friends, if you really want to make your learning easy, then do subscribe and press bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल टैक्स एंड ट्रिक्स। आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम, जो कि हमारा यूनिट 4 का चैप्टर 4 है। अब देखते हैं कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के कौन से मेथड्स हैं। इसको कैलकुलेट करने के तीन मेथड्स हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है आपका वैल्यू एडेड मेथड, सेकेंड है आपका इनकम मेथड और थर्ड है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। जैसे जैसे हम इन मेथड्स को डील करेंगे, इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे, तो हमें समझ आएगा कि कुछ फॉर्मूलेज यूज करके हम कुछ आंसर निकाल रहे हैं, कुछ रिजल्ट हम निकाल रहे हैं। ध्यान देने वाली बात है कि हर मेथड आपको डायरेक्ट नेशनल इनकम नहीं देता। जैसे कि वैल्यू एडेड मेथड में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारे पास रिजल्ट आता है वैल्यू एडेड मेथड को अप्लाई करके, जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो आता है आपका GDP एमपी। ओके, अब इसी तरीके से जब मैं इनकम मेथड अप्लाई करती हूँ नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, तो मेरे पास अगेन डायरेक्ट नेशनल इनकम नहीं आती, मेरे पास आता है NDPFC। क्लियर हुआ? अब इसी तरीके से एक्सपेंडिचर मेथड में भी मेरे पास जो आंसर आता है वो होता है GDP MP। तो हमें तो रिजल्टेंट क्या चाहिए? नेशनल इनकम चाहिए। तो आई थिंक लास्ट लेक्चर में जब मैंने डिस्कस किया था कि व्हाट आर दी एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, तब आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से इन तीनों को मैं नेशनल इनकम बना सकती हूँ। नेशनल इनकम मतलब क्या होता है? NNPFC, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो आप GDP MP को भी डेप्रिसिएशन, NFIA, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये तीन चार चीज़ें होती थी, ठीक है, उसके हेल्प से हम कोई भी चीज़ को इसमें कन्वर्ट कर सकते थे और उल्टा भी हम जा सकते थे। तो उसी तरीके से कन्वर्ट करना है, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि ये मेथड्स, जो तीनों मेथड है, ये डायरेक्टली आपको NNPFC दैट इज नेशनल इनकम नहीं देते, हमें कुछ कन्वर्जन्स करने होते हैं। एंड अगेन, ये तीनों मेथड एक जैसे रिजल्ट्स नहीं देते। ये देता है GDP MP, ये देता है NDPFC और ये देता है GDP MP। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट मेथड, दैट इज द वैल्यू एडेड मेथड। इस मेथड को हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी बोलते हैं और नेट आउटपुट मेथड भी बोलते हैं। अब इसमें वैल्यू एडिड का क्या मतलब है? वैल्यू एडिड का जो फॉर्मूला है, यहां पर वैल्यू एडिड जो निकल कर आती है, दैट इज योर GDP MP। ये जो वैल्यू एडिड निकल कर आती है, ये कैसे निकल कर आती है? व्हाट इज द फॉर्मूला? वैल्यू ऑफ आउटपुट लेस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी कि एक अकाउंटिंग ईयर में, एक इकोनॉमी में कितने वैल्यू, मतलब सॉरी आउटपुट कितनी वैल्यू का प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। मैंने साथ ही में लिखा है P+S+T। आपको पता है हमारी इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। तो मैंने वहां पे लिख दिया कि अगर सपोज आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि प्राइमरी सेक्टर में वैल्यू ऑफ आउटपुट इतना है, सेकेंडरी में इतना है और टर्शरी में इतना है, तो आपको तीनों को कंसीडर करना है ना, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में तीनों सेक्टर्स आते हैं। ओके, लेस आपको करना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आपको याद है मैंने आपको बताया था इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू कभी भी ऐड नहीं होती और हमेशा फाइनल गुड्स की ही वैल्यू ऐड होती है, है ना। बिल्कुल उसी के बेसलाइन पर यह है कि आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन हटाना है। अब थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि ये जो वैल्यूज हैं ये हमको क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दी होती कि वैल्यू ऑफ आउटपुट का इतना अमाउंट है या इंटरमीडिएट कंजम्पशन का इतना अमाउंट है, हमको अलग अलग तरीके से दे रखी होती है और हमें ये कैलकुलेट करना होता है। ओके, सो वैल्यू ऑफ आउटपुट आप कैसे कैलकुलेट करते हो? फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब सेल्स तो आपको समझ आ गया, अमाउंट एज इट इज आपको दे रखी होगी रुपीज में, ठीक है। साथ ही में है चेंज इन स्टॉक, यानी स्टॉक में क्या चेंज आया है। कैसे पता चलेगा? हम सभी को पता है स्टॉक कैसा होता है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला हो जाता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओके, अब आपका दूसरा जो कंपोनेंट था दैट वाज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन को आप कैसे कैलकुलेट करोगे या बेसिकली है क्या? देखो आगे लिखा है वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स,
नॉन फैक्टर, यानी कि जो फैक्टर इनपुट्स नहीं है। नॉन फैक्टर इनपुट्स का सीधा मतलब क्या है? आपको फैक्टर इनपुट्स याद है, 4 FOPs होते थे। कौन कौन से 4 FOPs थे? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये चार होते थे। इसके चार के अलावा जो भी फैक्टर इनपुट्स हैं, इनपुट्स हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन फैक्टर इनपुट्स। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, नॉन फैक्टर का मतलब क्या है? अदर देन द 4 FOPs। ठीक है, एग्जाम्पल में आपका वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल तो ना लैंड में आएगा, ना लेबर, ना कैपिटल, ना एंटरप्रेन्योर में, तो ऑटोमेटिकली किसमें आ जाएगा? आपका नॉन फैक्टर इनपुट में। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन में यही वाले नॉन फैक्टर इनपुट्स की वैल्यू को हम इंक्लूड करते हैं। ओके सो अब वैल्यू एडेड मेथड पे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन लिया है वो है वीके उरी बुक की एडिशन 2019 की फर्स्ट इलस्ट्रेशन, जो कि गिवन है पेज नंबर 86 पर। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप अपनी स्क्रीन पर इस क्वेश्चन को देख सकते हैं और इसे नोट कर सकते हैं। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? पहले आपसे पूछ रहा है कि आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड बी, एंड दूसरा जो आपको कैलकुलेट करना है दैट इज जीडीपी एफसी। दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, तो देखते हैं किस तरीके से कैलकुलेट इसको किया जा सकता है। फर्स्ट है आपका वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी, एंड सेकेंड है आपका जीडीपी एफसी। तो वैल्यू एडेड ए की निकाल लो और फिर बी की निकाल लो। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता था? वैल्यू ऑफ आउटपुट लेस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जिसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता था आपका सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेशन आपको डायरेक्ट नहीं दे रखी, लेकिन आपको सेल्स दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दोनों फर्म्स का दे रखा है। तो इस इन्फॉर्मेशन से हम यहाँ पर पहुँचेंगे। देखते हैं क्या वैल्यूज है। सबसे पहले मुझे आप बताइए सेल्स की वैल्यू क्या है फर्म ए की? 100 lakhs। ओके, सेल्स बाय फर्म ए कितना दे रखा है आपको? 100 lakhs। अब नेक्स्ट वैल्यू हमें क्या चाहिए? चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ ए। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए है आपका 20 माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए है आपका 25। ओके, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसमें से लेस हमको करना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन है उसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन के नाम से तो कोई भी एंट्री है ही नहीं, हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन है ही नहीं। है क्या इसका मतलब? आप देखिए, इसमें इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के सेकेंड और थर्ड पार्ट में कुछ लिखा है कि परचेजेस फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए। नेक्स्ट लिखा है परचेजेस फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी। तो दीज आर नथिंग बट इंटरमीडिएट कंजम्पशंस ऑफ फर्म ए एंड फर्म बी। अब यहाँ पर क्योंकि मैं किसकी बात कर रही हूँ? वैल्यू एडेड बाय फर्म ए की, तो मैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन किसका लूंगी? फर्म ए का। तो देखो, फर्स्ट आइटम लेंगे कि सेकंड लेंगे? परचेजेस फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए, और दूसरा है बाय फर्म बी। तो आप फर्म ए वाला ले लोगे। क्या वैल्यू है? 40 lakhs। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको समझ आया? परचेजेस ही यहाँ पर क्या बनी आपका? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा आपका? इसको देख लेते हैं, ये आपका कैलकुलेट करने पर आएगा 55 lakhs। क्लियर हुआ? अब इसी तरीके से वैल्यू एडेड ऑफ फर्म बी आप निकाल सकते हैं। आप इसको अपनी कॉपीज में ऑलरेडी सॉल्व कर सकते हैं, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, एंड देन आप अपना आंसर टैली कर सकते हैं। अगेन इसमें क्या करना है आपको? सेल्स ऑफ फर्म बी लेनी है। सेल्स ऑफ फर्म बी है आपकी 200 प्लस चेंज इन स्टॉक लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी दैट इज 35 lakhs माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी दैट इज 45 lakhs। लेस आपको करना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और यहां पर हम ले लेंगे परचेजेस फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी विच इज 60 lakhs। और ऐसे करके जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी ₹130 lakhs। क्लियर हुआ?
अब आपके पास दो चीजें आ गई, एक तो फर्स्ट पार्ट में जो पूछा था वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी आपको बताना था, तो आपने कैलकुलेट कर दिया ए का 55 लाख और बी का आपने कैलकुलेट कर दिया 130 लाख। अब नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछ रहा है जीडीपीएफसी। जीडीपीएफसी का क्या मतलब है? जब आप जीडीपीएफसी की बात करते हो तो वो तो फर्म ए और फर्म बी को डिफरेंशिएट नहीं करेगा, वो तो दोनों को लेगा। तो मैंने आगे लिख दिया वैल्यू एडेड बाय फर्म ए और वैल्यू एडेड बाय फर्म बी, दोनों की वैल्यूज आपको लेनी है। तो यहां पर आपका क्या आया, 55 लाख प्लस 130 लाख। ओके, अब एक चीज आप ये देखिए कि मैंने आपको बताया था कि वैल्यू एडेड मेथड में हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, जीडीपी एमपी। आंसर ये जो आपको बताएगा दैट विल बी जीडीपी एमपी। लेकिन क्या आपसे जीडीपी एमपी पूछा गया है? नो, आपसे पूछा गया है जीडीपी एफसी। तो जीडीपी एमपी को जीडीपी एफसी कैसे बनाएंगे, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट कैसे बनाएंगे, लेस क्या करते थे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो यहां पर फॉर्मूले में आप लिख देंगे, सबसे पहले फॉर्मूला क्या बन गया आपका, वैल्यू एडेड ए वैल्यू एडेड बी माइनस एनआईटी, दैट इज द नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो यहां पर आप गलती से भी सिर्फ इसको ऐड करके अगर आप इस पे छोड़ देंगे तो ये जीडीपी एफसी नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ जीडीपी एमपी होगा। लेस अभी इसमें से क्या करना बाकी है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो देखते हैं हमारे क्वेश्चन में इसकी वैल्यू क्या दे रखी है। लास्ट एंट्री है इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ द फर्म्स और जो वैल्यू दे रखी है दैट इज योर 30 लाख। ठीक है, तो 55 लाख प्लस 130 लाख और माइनस आपको क्या करना है इसमें से 30 लाख। इसमें जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 155 लाख। अब ये जो वैल्यू है ये क्वेश्चन में आपसे पूछी गई है जो कि है जीडीपी एफसी। क्लियर हुआ? तो किस तरीके से आपको, मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, कोई भी मेथड हो आपको ये ध्यान रखना है कि वो रिजल्ट क्या दे रहा है और आपसे क्या पूछा जा रहा है। अगर वो आपसे यहाँ पर जीडीपी एमपी पूछता तो हमें कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं थी, हम सिर्फ इन दोनों की वैल्यूज को ऐड कर देते। बट उसने पूछा था जीडीपी एफसी। ठीक है, अब जीडीपी एफसी पूछा था तो यहाँ पर हमने इसलिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को यहाँ से रिड्यूस कर दिया और हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या आ गया, 155 लाख। ओके ओके, सो अब इसकी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो कि दे रखी है पेज नंबर 87 पर और आपकी स्क्रीन्स पर। इसमें हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, पहला हमको कैलकुलेट करना है जीडीपी एमपी और दूसरा हमको कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम। अब जीडीपी एमपी तो ठीक है दे रखा है, हमको साथ ही पूछ रखा है नेशनल इनकम। तो आप मुझे बता सकते हैं नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं, एनएनपी एफसी। तो एक आपको निकालना है जीडीपी एमपी और एक आपको निकालना है एनएनपी एफसी। देखते हैं हमें क्या क्या वैल्यूज दे रखी हैं। सबसे पहले जीडीपी एमपी निकालने के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये दो चीजों की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, जिसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट आप कैसे भी कर सकते हैं सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। देखते हैं पहले इन्फॉर्मेशन क्या हमें अवेलेबल है। ओके, वेरी सिंपल, इसमें हमें डायरेक्ट दे रखा है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट तीनों सेक्टर्स का क्या है, साथ ही दे रखा है तीनों सेक्टर्स का इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो बहुत इजी हो जाता है इसको कैलकुलेट करना, वैल्यू ऑफ आउटपुट आप तीनों सेक्टर्स की, कौन कौन से तीन सेक्टर्स दे रखे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, है ना, और उसी तरीके से तीनों सेक्टर्स का इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको लेस करना है, मतलब ऐड कर लो यहाँ पर और फिर लेस कर दो, एक ही बात है। तो ठीक है, देखते हैं वैल्यू ऑफ द आउटपुट क्या दे रखी है। प्राइमरी सेक्टर का है 800 प्लस 200 प्लस 300, ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट तीनों सेक्टर का। ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको क्या दे रखा है, 400 150, ऐसे ही है क्वेश्चन में यही वैल्यू दे रखे, प्राइमरी सेक्टर का 800, सेकेंडरी का 200, टर्शरी का 300 और इसी तरीके से तीनों सेक्टर का इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास आंसर आता है 750 लाख। ठीक है, अब पहले पार्ट में आपसे पूछा जीडीपी एमपी, तो ऑलरेडी जब मैं वैल्यू एडेड मेथड से रिजल्ट निकालती हूँ तो मेरे पास ऑटोमेटिकली क्या आता है, जीडीपी एमपी। तो इसमें आगे ट्रीटमेंट करने की इसमें कोई भी जरूरत नहीं है। अब इसी से आपको पहुंचना है कहाँ पर, नेशनल इनकम पर। तो एनएनपी एफसी बनाना है आपको जीडीपी
एमपी से, क्योंकि हमारे पास ये वाली वैल्यू अवेलेबल हो गई, हमने कैलकुलेट कर ली। तो इसमें देखते हैं कि जीडीपी एमपी से आप एनएनपीएफसी कैसे बनाओगे, ये आप अपनी कॉपीज पर खुद करो इसको कन्वर्जन इसका, और फिर यहां से चेक कर लेना। जीडीपी एमपी में से सबसे पहले मैंने डेप्रिसिएशन को लेस कर दिया, और जैसे ही मैंने डेप्रिसिएशन लेस किया तो ये ग्रॉस से बन गया नेट, ठीक है। अब इसमें मैंने ऐड कर दिया NFIA, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और जैसे ही मैंने इसको ऐड किया तो ये डोमेस्टिक से बन गया नेशनल, ओके। लास्ट में मैंने कर दिया लेस NIT, दैट इज द नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और जैसे ही मैंने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस किया तो ये जो MP था ये वापस किस पर आ गया, फैक्टर कॉस्ट पर। इस तरीके से हमने जीडीपी एमपी को किसमें कन्वर्ट कर दिया, एनएनपीएफसी में। अब बचा काम हमारा वैल्यूज पुट करने का, देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या वैल्यूज इसकी दे रखी हैं। सबसे पहले जीडीपी एमपी की वैल्यू जो कि मैंने यहाँ पर कैलकुलेट की है 750 लाख, वो मैं लिख देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो मुझे देखनी है दैट इज डेप्रिसिएशन। तो देखते हैं क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन नाम से कोई वैल्यू हमें दे रखी है, नहीं दे रखी। डेप्रिसिएशन नाम से कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी, लेकिन आप फोर्थ देखेंगे इसका पार्ट तो उसमें लिखा है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ऑफ ऑल सेक्टर्स। तो इसमें क्या है, ये डेप्रिसिएशन ही तो है कि फिक्स कैपिटल का कंजम्पशन हो गया, दैट इज व्हाट डेप्रिसिएशन इज, ओके। सो ये वैल्यू आपको दे रखी है 80 लाख। अब नेक्स्ट है आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, डायरेक्ट वैल्यू भी दे रखी हो सकती है या फिर आपको नेट निकालना भी पड़ सकता है। तो क्या वैल्यू आपको दे रखी है, देखो फिफ्थ और सिक्स कंपोनेंट इसके, फैक्टर इनकम रिसीव्ड 10 लाख एंड फैक्टर इनकम पेड 20 लाख। तो रिसीव्ड और पेड को हमें देखकर उसको क्या करना पड़ेगा, नेट करना पड़ेगा, दैट इज रिसीव्ड माइनस पेड। तो रिसीव्ड कितनी है आपकी 10 लाख, माइनस पेड आपकी कितनी है 20 लाख, ओके। सो एक चीज आपको और देखनी है, लास्ट में आपका बचता है एनआईटी। एनआईटी मतलब क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी आगे वर्ड आता है नेट, यानी कि यहाँ पर आपको दो चीजें देखनी होती है, एक इनडायरेक्ट टैक्सेस और दूसरा सब्सिडीज हैं कि नहीं है। सब्सिडीज होती है हम ऐड कर देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं हम माइनस कर देते हैं। तो इसमें जब सब्सिडीज आपको लास्ट कॉम्पोनेंट दे रखा है 20 और इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको दे रखा है 50, तो 20 तो इसमें ऐड हो जाएगा और 20 लाख इसमें ऐड हो जाएगा और 50 लाख इसमें से माइनस हो जाएगा, ऐसा ही है। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा, 750 लाख माइनस 80 लाख माइनस 10 लाख माइनस 30 लाख और ये आपका हो जाएगा 630 लाख आपका आ जाएगा नेशनल इनकम की वैल्यू। आई होप ये क्वेश्चन हमें समझ आ गए होंगे, आप और भी क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट और जो लास्ट टॉपिक है आज के लिए, दैट इज द प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग द वैल्यू एडेड मेथड। ये कुछ एडिशनल चीजें हैं जो कि हमें वैल्यू एडेड मेथड यूज करते टाइम पता होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ हिंट किया भी हुआ है। फर्स्ट है, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन कैलकुलेटिंग दी वैल्यू एडेड, यानी कि सेकेंड हैंड गुड्स का सेल या परचेज हुआ है और उसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो आपको इस ईयर के लिए उसकी वैल्यू को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि जब ओरिजिनली वो प्रोड्यूस हुए होंगे उस ईयर में ऑलरेडी वो कैलकुलेट बेसिकली ऐड या वहां पर वो कंसीडर हो चुके हैं, ठीक है। तो आगे मैंने क्रॉस का मार्क लगाया कि आपको इंक्लूड नहीं करना। दूसरा, बट इफ सम कमीशन इज अर्न्ड फ्रॉम सेल परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स देन यस, ओके। इसका क्या मतलब है, देखो सेकेंड हैंड गुड्स की सेल परचेज तो आप अभी इंक्लूड नहीं कर रहे हो क्योंकि ऑलरेडी उस ईयर में हो चुके हैं, बट हाँ इन सेल और परचेज की वजह से कुछ कमीशन अर्न हुआ है तो उसे हम इस ईयर में कैलकुलेट करेंगे क्योंकि वो इस ईयर की हमारी वैल्यू में आएगा। नेक्स्ट है, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड, और आगे मैंने लगाया है क्रॉस कि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंक्लूड होती ही नहीं है, और ये हमने सबसे पहले बेसिक्स में पढ़ा था ना कि फाइनल गुड्स की वैल्यू हमेशा इंक्लूड होती है, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू कभी भी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हुए इंक्लूड नहीं होती।
And the last point is imputed rent is included. आगे है राइट का मार्क, इंप्यूटेड रेंट को इंक्लूड करते हैं. बट द क्वेश्चन इज व्हाट इज इंप्यूटेड रेंट. ठीक है, आप के पास एक घर है, ठीक है, आप या तो उसमें किसी को रखोगे या फिर खुद रहना शुरू. बेसिकली एक सीधी सी बात है, सपोज आपके आपके पास सामने एक प्रॉपर्टी है, ओके, या तो आप उसका रेंट पे करोगे, अगर आपकी ओन्ड नहीं है तो वो मार्केट रेंट में आ जाएगी. लेकिन सपोज करो वो प्रॉपर्टी आपकी अपनी है, आप अपने घर में रहते हो, तो क्या आप अपने घर में रेंट पे करते हो? नो. लेकिन फिर भी वो प्रॉपर्टी अभी भी है और उसकी एक मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट अभी भी है, तो इस रेंट को हम बोल देते हैं इम्प्यूटेड रेंट. इम्प्यूटेड रेंट कौन सी है? जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर रेंट है, इम्प्यूटेड. ठीक है, तो यस, वो वाली जो रेंट है, इम्प्यूटेड रेंट है, उसको हम हमेशा इंक्लूड करते हैं इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे, जिसमें आज हमने देखा कि किस तरीके से हमारे तीन मेथड्स हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के. कौन कौन से मेथड्स मैंने आपको बताए थे? वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड द लास्ट वॉज एक्सपेंडिचर मेथड. आज हमने डिस्कस किया वैल्यू एडेड मेथड में उसके फॉर्मूलेज, उसके दो इलस्ट्रेशंस, एंड लास्ट में हमने डिस्कस किया व्हाट आर द प्रिकॉशंस यूजिंग द वैल्यू एडेड मेथड. आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा. इसके बाद भी अगर कोई आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू टैक्स एंड ट्रिक्स फॉर मोर वीडियोज ऑन इकोनॉमिक्स. थैंक यू.